टेलीविजन सेलेब्स को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया जाता रहा है। हाल ही में मुंबई में जी रिश्ते अवार्ड 2021 की नॉमिनेशन पार्टी का आयोजन किया गया, जहां रेड कारपेट पर सेलेब्स ने अपना जलवा बिखेरा। सभी काफी स्टाइलिश लग रहे थे। कुंडली भाग्य के करण लूथरा यानी धीरज धूपर रेड जैकेट में पार्टी में पहुंचे। ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ उन्होंने ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर के साथ अपने लुक को पूरा किया। सुपर हैप्पी टू बी हियर, सुपर एक्साइटेड। नॉमिनेशंस पार्टी, लॉट ऑफ नॉमिनेशंस हैपनिंग, सो इट्स लाइक अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, इट्स लाइक टोकन ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस, सो डेफिनेटली इट मैटर्स अ लॉट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग दिस ईयर। सीरियल बाजीराव पेशवा के कलाकार अपने किरदार के अंदाज में नजर आए। मीत की आशीष सिंह ग्रीन साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य की पूरी टीम ने रेड कारपेट पर अपने अंदाज से सभी का दिल जीत लिया। सुप्रिया शुक्ला, अंजुम, फकीह भी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पहुँची। वेरी एक्साइटेड बिकॉज पिछले 3-4 साल से मैं खुद ही प्रेजेंट कर रही थी नॉमिनेशन पार्टी, तो आज बहुत अच्छा लगेगा, आराम से बैठकर देखूंगी सामने और देखते कितना मजा आएगा। मुझे सुनाई पड़ा है कि मेरी ही कोई एक बेटी शायद उसे प्रेजेंट कर रही है, तो देखते हैं कितना मजा आता है जब बेटी माँ को ग्रिल करेगी। तो नॉमिनेटेड होगा, बट आई डोंट नो इफ आई एम नॉमिनेटेड और नॉट। पिछले साल बेस्ट बहन का अवार्ड मिला था, बट अभी पता नहीं इस बार बेस्ट बहन का अवार्ड किसे मिलेगा। सो आई होप जिसे भी मिलेगा, आई एम श्योर शी विल बी अ डिजर्विंग वन। इनके अलावा रक्षंदा खान, शब्बीर आलूवालिया सहित कई अन्य सेलेब्स अपने शानदार अंदाज में यहां मौजूद थे। हर बार की तरह इस साल भी जी रिश्ते अवार्ड का आयोजन मुंबई में ही ग्रैंड स्तर पर होने वाला है। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ही ये अवार्ड दिए जाएंगे। INS रिपोर्ट।